नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए दो ऐसे एप्लीकेशन लेके आए हैं जिसमें आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से कोडिंग कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इन कोडिंग ऐप के बारे में जो एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड हो सकते हैं अथवा आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कोडिंग कर पाएंगे, जिसमें आप HTML, CSS, JavaScript एंड सी लैंग्वेज को भी अपने मोबाइल फ़ोन से कोडिंग करके नए नए प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन ऐप्स के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में जाकर के आप ऊपर सर्च बार में लिखेंगे, जो ये एप्लीकेशन का नाम है वो है एक कोड, ACODE कोड। ये नाम देखते ही आपको नीचे दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, ये एप्लीकेशन है जिसमें आप कोडिंग कर पाएंगे। देखो इसका रेटिंग भी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले में देख सकते हैं आप। इसमें आप HTML, CSS, JavaScript आदि को भी रन कर सकते हैं और C के प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस ऐप के बारे में। 4.3 की रेटिंग है और अच्छे खासे रिव्यूज है इसकी। तो चले जानते हैं इस कोड के बारे में। चलो ओपन करते हैं इस कोड ऐप को। ये ऐप ओपन हो रहा है, इसका कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आपको एक खाली फोल्डर मिल जाएगा, इसे आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना है, जिस भी फाइल में डायरेक्ट करना कर सकते हैं। आप ऊपर जाके एक न्यू फाइल भी बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे, जिसमें से आप इसमें अपने जो भी फाइल का नाम देना वो डाल के उसका वो HTML लगा के सेव कर देंगे। यहाँ पर आप अपना कोडिंग भी कर सकते हैं, जैसे HTML लिखा तो HTML5, HTML4 को स्क्रिप्ट आ गया। इस तरह आप यहाँ पर अपना टाइटल नेम चूज कर लेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है जहाँ पर आप आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। ये एक कोड ब्लॉक जैसा ही परफॉर्मेंस देता है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। यहाँ पर देखो, ये मैंने खाली डिव मारता ही पूरा डिव का जो भी है मैन वो आ गया, पूरा पूरा आ गया। इस तरह आप इस अपने मोबाइल फ़ोन में HTML, CSS के प्रोग्राम लेकर कर एक अच्छी वेबसाइट और एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं, जिसमें से आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये देखो, आप एस लिखते ही एस के पूरे जो भी टैग्स है एस के नाम से वो सब आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, ये देखो ये सेव हो गया। ये आप अपने फाइल स्टोर में भी सेव कर सकते हैं। इसका ये आउटपुट कुछ इस प्रकार है, ये इसका आउटपुट देख सकते हैं आप। तो इस तरह इसका आउटपुट देख सकते हैं। इसको डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो भी इस तरह दिखेगा, और इसको यदि हम ब्राउजर पे ओपन करें तो भी ये बहुत अच्छा दिखता है। जो भी हमने कोडिंग की है वो दिख जाएगा। इसको यदि मैं डेस्कटॉप मोड पे करूँ तो देखो